आयुर्वेद अपनाएं स्वास्थ्य अपनाएं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोगों को जड़ समेत खत्म करती है। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खराटे के फराटे से तुरंत छुटकारा। फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जो आपको खराटों की समस्या से तुरंत निजात दिला देती है। इसलिए संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो, किंतु उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम सभी उपायों को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं ताकि आप भी उन्हें आसानी से बनाकर उपयोग में ला सको। दोस्तों, सोते वक्त नाक या फिर मुंह में से निकलने वाली अनपेक्षित आवाज को खराटे कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब सोते वक्त गले का पिछला हिस्सा संकरा यानी कि पतला हो जाता है। इस स्थिति में गले के टिश्यू वाइब्रेट होने लगते हैं और खराटे की आवाज़ पैदा करते हैं। वैसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति घोड़े बेचकर सोता है, मतलब कि चैन की नींद और गहरी नींद सोता है, वो खराटे लेता है। लेकिन ये समस्या आपके साथ वालों को परेशान करती है और उनको सोने नहीं देती। इसके अलावा अगर आप किसी अपने रिलेटिव या रिश्तेदार के घर पर अतिथि बनकर गए हो तो ये खराटे आपको उनके घर आपको शर्मिंदा भी करा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि खराटों की समस्या से जल्द छुटकारा पा लिया जाए। खराटों की समस्या से निजात पाने के घरेलू उपाय। पहले उपाय में आपको लहसुन और सरसों के तेल की आवश्यकता होगी। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 4 से 5 चम्मच सरसों के तेल को एक फ्राइंग पैन में डाल लेना है और उसमें 2 से 3 लहसुन की कलियों को अच्छी तरह पका लेना है। तो दोस्तों, एक फ्राइंग पैन में सबसे पहले 4 से 5 चम्मच सरसों के तेल की डालना है। अब आप इसमें 2 से 3 लहसुन को पीस कर डाल लें। लहसुन को आप अच्छी तरह से पका लें। जब लहसुन लाल होने लग जाए तो आप इसको तेल को एक कटोरी में छान लें। तेल को कटोरी में आप ठंडा होने दें और जब ये हल्का गर्म हो जाए, यानी कि इतना गर्म रह जाए कि आप इसको लगा सकें, तब आप इसको अपनी छाती पर लगाएं और थोड़ी देर तक मसाज करें। इसको आप अपनी गर्दन पर भी लगा सकते हैं। इस उपाय से आपको शीघ्र ही खराटों की समस्या से आराम मिलता है। दूसरे उपाय के लिए आपको 1 गिलास गुनगुना पानी और सेंधा नमक की आवश्यकता होगी। आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिला लेना है। इस पानी से आपको रात को सोने से पहले कूला करना है और इसी तरह आप अगले दिन सुबह उठकर भी इस पानी से कूला करें। ये उपाय गले की सूजन को कम करता है, श्वास नली को खोलता है और गले की खराश को भी दूर करता है। तीसरा उपाय, शहद में इतने सारे आयुर्वेदिक और औषधीय गुण होते हैं जो इसे हर रोग में एक बेहतरीन औषधि बनाते हैं। इसलिए अगर आप रोजाना 2 से 3 चम्मच शहद खाते हैं तो आपको जल्दी खराटे की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। अन्य सुझाव, करवट लेकर सोए। ठंडी चीजों जैसे कि आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का सेवन कम कर दें। नाक की सफाई पर भी विशेष ध्यान दें और धूम्रपान से परहेज करें।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी भाई बहन इस वीडियो में बताए गए उपायों का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।